हेलो डियर फार्मा एस्पिरेंट्स, सो आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल फार्मा माइंड्स पे। सो आज हम सब लोग बात करेंगे एक न्यू पोस्ट के बारे में जो हमारी आई है उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से, जो हमारा एग्जाम कंडक्ट करवाने वाला है। तो आइए जानते हैं क्या है हमारी वैकेंसी आई है और क्या एडवर्टाइजमेंट आई है हमारी। आप सब लोग सोचेंगे कि मैम अभी थोड़े दिन पहले ही तो 62 वैकेंसीज आई थी उत्तराखंड में, भाई सेम मतलब उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो थी हमारी 62 वैकेंसीज के लिए, तो क्या अब नई पोस्ट आई है? जी हाँ, एक नई पोस्ट आई है जो हमारी 73 पोस्ट है हमारी अंडर राजकीय मेडिकल कॉलेज की तरफ से हम आई है। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगी जो हमारी पहले आई थी वो थी हमारी राज्य बीमा योजना श्रम चिकित्सा सेवाएं की तरफ से 62 पोस्ट, और जो अब आई है वो है हमारी 73 पोस्ट बाय राजकीय मेडिकल कॉलेज की तरफ से, फार्मासिस्ट की पोस्ट है। तो देखते हैं इसकी एडवर्टाइजमेंट क्या कहती है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया गया है फार्मासिस्ट परीक्षा 2024 जो हमारी राजकीय मेडिकल कॉलेज की तरफ से है। 73 पोस्ट के लिए डायरेक्ट पोस्टिंग होगी हमारी इस एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं इस एडवर्टाइजमेंट को। पब्लिश किया गया था 19 अक्टूबर 2024 को लिए, ठीक है। और अब इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो हमारा 5 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, और इसकी लास्ट डेट रहेगी हमारी 25 नवंबर 5 PM तक। और सेम इसकी फीस पेमेंट की डेट रहेगी 25 नवंबर 2024 ही हमारी डेट रहेगी। तो ये टोटल आई है हमारी 73 वैकेंसीज पे हमारी पोस्ट आई हुई है ये, ठीक है। और इसकी जो पे स्केल है वो है हमारी 35,400 से लेके 1,12,400, ओके। सो यहाँ पे हमारी कैटेगरी वाइज इन्होंने बता दिया गया है, तो आप सब ये देख सकते हैं। और 73 पोस्ट के लिए हमारी पोस्ट रहने वाली है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो ठीक है, ये जो हमारी डायरेक्ट पोस्टिंग होगी किसके लिए और इसकी क्या हमारी एलिजिबिलिटी रहने वाली है, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि अभ्यर्थी मतलब जो एप्लीकेंट है वो किसी मान्यता प्राप्त संस्था जिसके पास हमारी लाइक PCI अप्रूवल है से भेषजज्ञ फार्मेसी का डिप्लोमा रखता हो। फार्मेसी डिप्लोमा मतलब डी फार्मा यहाँ पे होना चाहिए हमारे पास। और उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिल, उत्तराखंड फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल में पंजीकृत हो, मतलब रजिस्टर्ड हो हमारा फार्म उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिल में, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे कि बी फार्मा और एम फार्मा वाले एलिजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा तो है कि डी फार्मा वाले हैं, बट इन द एंड क्या होता है जैसे जैसे एप्लीकेशन फॉर्म खुलेंगे तो हम सबको क्लियर हो जाएगा कि बी फार्मा और एम फार्मा वाले हैं या नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे एक और है कि ये सिर्फ उत्तराखंड वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप जो है उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड होने चाहिए, ठीक है। और इसमें किस किस को मतलब लाइक रिजर्वेशन के थोड़े से यहाँ पे क्राइटेरिया दिए हैं, जैसे किसी के पेरेंट्स या लाइक एक्स सर्विस मैन रहे हैं और एटलीस्ट 2 ईयर्स तक उन्होंने हमारी आर्मी में पोस्टेड रहे हैं तो उनके लिए रहने वाला है, और आपके पास NCC का B या C सर्टिफिकेट है तो ये यहाँ पे रहने वाला है, ओके। और यहाँ पे क्या बताया गया है कि इसका क्या होगा, जो हमारी एज रहने वाली है वो है हमारी एज पर 1 जुलाई 2024 रहने वाली है। दिस डेट इज 18 इयर्स जो है हमारी मिनिमम एज रहने वाली है और 42 इयर्स हमारी मैक्सिमम एज रहने वाली है, ओके। और यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे बता दें कि कैटेगरी वाइज क्या क्या एज रिलैक्सेशन रहने वाली है और हमारी क्या क्या कैटेगरी वाइज रहने वाले हैं, तो आप सब ये आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं, ये हमारे शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है तो आप सब बड़े आराम से पढ़ते हैं। यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है लाइक PWD स्टूडेंट्स और लाइक एक्स सर्विस मैन, और कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है। इसके बाद हमारा यहाँ पे आता है फीस के लिए क्या है, हमारा राष्ट्रीयता नेशनलिटी के बारे में यहाँ पे हमारी पॉइंट आता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए और तिब्बतीय शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवासी हो, कि आशा के 1 जनवरी 1964 से भारत आया हो तो वो एलिजिबल है यहाँ पे हमारे। और उसके बाद जो है हमारे यहाँ पे इन्होंने बात कर दी हुई है, ठीक है, कि ऑनलाइन आवेदन जो हम ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो हम कैसे कर सकते हैं, जिसकी वेबसाइट है हमारी www.ukmssb.org पे हम जाके इस वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट एलोपैथी एग्जामिनेशन 2024 फॉर मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, यहाँ पे जाके। एंड इसके बाद जो है ये हमारा लास्ट डेट इसकी 25 नवंबर रहने वाली है, जो हमने पहले जान लिया। और इसके बाद यहाँ पे हमारे बताया गया कि हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कैसे कैसे चाहिए। तो इन जनरल इन शॉर्ट मैं आप सबको बता देती हूँ कि इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिल होगी।
सबसे पहले हमें रजिस्टर करना है, अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है वहाँ पे। उसके बाद हमें एजुकेशन और काउंसिल की डिटेल, मतलब उत्तराखंड मेडिकल जो हमारी फार्मेसी काउंसिल है उसके बारे में डिटेल्स डालनी है, उसका फोटो सिग्नेचर और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हम मांगेंगे वो अपलोड करने हैं, पेमेंट करनी है हमें एक, और प्रिंट कर देना है हमारे एप्लीकेशन फॉर्म, और ऑब्वियसली प्रिंट करके अपने पास सेफली रख लेना है। और यहाँ पे हमारे बता दिए कि क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका साइज क्या रहने वाला है, ये आप सब लोग पढ़ सकते हैं यहाँ से पीडीएफ जाके, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और अब एट लास्ट हम बात कर लेते हैं इसके फीस के बारे में। तो यहाँ पे बात की गई है हमारी जनरल कैटेगरी अनारक्षित सामान्य लोगों के लिए, जो की है हमारी 300 रुपीज, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 150, ओबीसी के लिए 300, एससी एसटी और जो पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 150। तो यहाँ पे हमारी मैक्सिमम जो फीस है वो 300 रुपीज रहने वाली है। और इसके बारे में बाद हमारे में यहाँ पे थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे दी गई है जो आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं कि कैसे कैसे हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और क्या क्या एलिजिबिलिटी है, थर्म इम्प्रेशन कैसा होना चाहिए हमारा एंड ऑल दैट डिटेल्स। तो आप सब बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं। सो इसमें कोई भी स्पेसिफिक सिलेबस नहीं किया गया है, बट इन फ्यूचर इसका कोई भी स्पेसिफिक सिलेबस आता है तो हम आप सबको इसी चैनल पे अपडेट करेंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच गाइज।